उसके लिए हम ये 250 ग्राम मैदा ले लिए हैं और ये 2 चम्मच अरारोट। आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसमें हम 2 चम्मच के हिसाब से डालेंगे देसी घी। आप देसी घी ही डालिएगा इसमें। अब डालते हैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक। इन सभी को अच्छे से मिला लेते हैं। हमने रोटी से सख्त दोर लगा लिया है। अब इसको हम गीला कपड़े से लपेट के रख देंगे 15 मिनट के लिए। हमने ये उबली हुई आलू ले लिया 3, इनका हमने छिलका उतार लिया है। अब इनको हम किसनी से किस लेते हैं। आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। हमने इस तरह आलू को किस लिया है। हम गैस में कढ़ाई रख दिए हैं। इसमें हम 1 चम्मच तेल डालते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच डालते हैं खड़ी धनिया। अब डालते हैं कटी हुई हरी मिर्च। हम डालते हैं ये ग्रेट कूट किया हुआ अदरक। इन सभी को अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम डालते हैं ये पुदीना पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो नहीं डालिएगा। ये डालते हैं हम कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच के अनुसार। 1 चम्मच के अनुसार छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। 1 चम्मच गरम मसाला। इनको हम अच्छे से सेक लेते हैं। अगर आपके पास हरे मटर हो तो इसी स्टेज में आप डाल दीजिएगा। हमारे पास नहीं है तो हम नहीं डालते हैं। अब हम डालते हैं ये मैश किया हुआ आलू। इसे हम अच्छे से मिला के सेक लेंगे। हम आपको बहुत बहुत ही आसान तरीके से पफ पेटीज बनाना सिखा रहे हैं। अब इसमें हम डालते हैं नमक टेस्ट के अनुसार। अब हम डालते हैं ये कटी हुई प्याज। कटी हुई प्याज बाद में डालना पड़ता है। इसको मिला लेते हैं। हम कटी हुई धनिया पत्ती डालते हैं। अब हम डालते हैं इसमें ये मैगी मसाला। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पेटीज में। इसको हम मिला लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। हमारा आटा भी सेट हो चुका है। 15 मिनट हो चुके हैं। हम इसको निकाल लेते हैं और हम गैस स्टैंड में ही इसको अच्छे से मसल लेंगे। जितना अच्छा मसलेंगे उतना अच्छे हमारे पफ पेटीज बनेंगे। हमने इसे अच्छे से मसल लिया है। एकदम ये सॉफ्ट बन चुका है। अब हम इसकी लोइयां बना लेते हैं। रोटी जितनी लोइयां बनाते हैं, ये हमने 7 लोइयां बनाई हैं। इनको हम गोलाई कर देते हैं इनके अंदर। इसको हम ऐसे रख देंगे। हमने ये लोइयां बना के गोल करके रख दिया है। इसको गीले कपड़े से रख देते हैं जब तक हम गोल बना लेते हैं। हमने 3 चम्मच के अनुसार से अरारोट ले लिया है। अब इसमें हम 3 चम्मच ही देसी घी डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमने इसे अच्छे से घोल लिया है अरारोट और घी को। कितना अच्छा बन गया है, एकदम स्मूथ बन गया है। अब हम एक लोई लेते हैं और इसको मैदे में डिप करके इस तरह दबा के इसको रोटी जैसे बेल लेंगे। हमें इसमें मैदा ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का हल्का ही लगाना है। इस तरह हमको इनको बेल लेना है। इसी तरह हमें 7 पूड़ियाँ बेल लेते हैं। हमने ये 7 पूड़ियाँ बेल ली है। अब हम इसको एक उठाते हैं, ऐसे रख लेते हैं। अब इसमें हम ये अरारोट और घी का पेस्ट लगाते हैं। हम इसे हाथ से ही फैला लेते हैं चारों तरफ पूरे में। हमने पूरे में लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा मैदा छिड़कते हैं। अब हम ये दूसरी पूड़ी रखते हैं इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम फिर से ये लगाते हैं पेस्ट। इसी तरह हमको ये 7 पूड़ियाँ रख रख के पेस्ट लगाना है। अब हम ये आखिरी पूड़ी रखते हैं इसमें और इसमें भी हम ये पेस्ट लगा देते हैं।
इसमें भी हम ये मैदा छिड़कते हैं। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे गोलाई आकार में, दबा दबा के। आखिरी में बचा जो ये, इसमें हम यहाँ पे घी लगाएंगे और इसको चिपका देंगे। अब इसको हम इसे दबा दबा के फैला देंगे, लंबा कर देंगे। और भी हमने इसे इतना लंबा कर दिया है, अब इसके हम पीसेस काटते हैं। इस तरह की हमने लोइयाँ काट ली हैं, इसको उनको साइड में रख देते हैं। अब हम एक लोई को लेंगे और इसको हम इस हथेली से यहाँ से ऐसे दबाएंगे और इसको हम आगे की तरफ दबाएंगे ऐसे। इस तरह दबा लिया हमने इसको। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे मैदा, सूखा मैदा हल्का हल्का, और इसको हम पूरी जैसे बेल लेंगे। इसको हम बेल लेते हैं गोलाई में। हमने इसे पूरी से बड़ा बेल लिया है, इसके कॉर्नर में बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि हमको इसको काट देना है। अब हम इसको स्क्वायर शेप में काटेंगे। ये हमने इसको चारों तरफ से काट लिया है। अब हम इसको ये एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। अब हम इसमें हम भरते हैं स्टफिंग। बीच में रख के अब हम चारों तरफ से इसको हम उठाएंगे और इसमें दबा देंगे इस तरह। ये हमने इसको इस तरह से चिपका दिया है, इसको रख देते हैं। आपको एक और बताते हैं कैसे बनता है। इस तरह हम यहाँ से दबाते हैं लंबाई आकार में। इसमें हम मैदा लगाते हैं थोड़ा सा, इसको भी हम बेल लेते हैं। इसको भी हम काट लेते हैं चारों तरफ से। इसको एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। अब इसमें हम स्टफिंग रखते हैं। चारों तरफ पानी लगाते हैं। इस तरह से इसको हम चिपका देंगे। हम सारे बना लेते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पेटीज डालते हैं। और हमारा तेल एकदम धीरे है, हमें तेज नहीं रखा तेल को। इसमें हम पेटीज डालते हैं। एक बार में एक या दो ही पेटीज डालेंगे। अब हम इनको पलटा देते हैं। ये ऊपर आ चुकी हैं, लेयर भी अच्छी खुल रही है। अब हम गैस को लो टू मीडियम कर देते हैं और इसको फिर से पलटा देते हैं। इसकी लेयर कितनी अच्छी खुली हुई है, ये बहुत ही अच्छे बनते हैं ये पेटीज। ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मतलब ये तल चुका है। अब हम इसको इस तरह यहाँ पे टिका देंगे, इसका एक्स्ट्रा तेल निकाल देंगे और हम टिश्यू पेपर में इसको रख देंगे धीरे से। इसी तरह दूसरा भी निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरा भी तल लेते हैं। ये देखिए हमारी पप पेटीज बनके तैयार हैं, बहुत ही अच्छी बनी हुई है। इसमें लेयर बहुत अच्छी खुली हुई है। हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है।
अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो तो आप अपने अनुभव विमला की रसोई में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।